हेलो डियर चिल्ड्रन, बेटा टुडे आई विल टीच यू हाउ टू फॉर्म द फेमिनाइन जेंडर, है ना। मस्कुलाइन से फेमिनाइन कैसे बनाते हैं। कुछ मस्कुलाइन जेंडर ऐसे होते हैं बेटा जिनका सिंपली फेमिनाइन बहुत आसानी से बना सकते हैं। सेम मस्कुलाइन के अंदर हम टू वर्ड्स या थ्री वर्ड्स जोड़ते हैं, अल्फाबेट्स जोड़ते हैं, ई डबल एस, है ना सर। ई डबल एस जोड़ के हम उनका मस्कुलाइन से फेमिनाइन बना सकते हैं। लिख भी रखा ना, बाई एडिंग ई डबल एस टू द मस्कुलाइन। अगर मस्कुलाइन जो जेंडर है उसमें ई डबल एस जोड़कर हम उसका फेमिनाइन बना सकते हैं। जैसे लाइन, लाइन वर्ड होता है एक शेर, तो लाइन का अगर हमें शेर का क्या होना फेमिनाइन, शेर नहीं तो लाइन का हो जाएगा यहाँ पर, सॉरी बेटा, लाइनेस, ई डबल एस जोड़ दिया, देखो इसी स्पेलिंग। पोएट, पोएट होता है कवि, पोएट का हो जाएगा पोइटिस, राइट, ई डबल एस जोड़ा। अगेन प्रिस्ट, प्रिस्ट होते हैं पंडित, जो पंडित पूजा करते हैं मंदिर में उसको पुजारी भी कह सकते हैं, और उसकी वाइफ हो जाएगी प्रिस्टेस, तो इसमें भी ई डबल एस, सेम स्पेलिंग में देखिए ई डबल एस हमने ऐड किया, राइट। सी नेक्स्ट, ऑथर, अ पर्सन, जो लड़के हैं सभी बुक्स राइटर्स होते हैं, जो बुक लिखते हैं लड़की, लड़के बुक्स लिखते हैं वो होते हैं राइट, उनको कहते हैं ऑथर, है ना, लेखक, है ना। ऑथर का हो जाएगा ऑथरेस, फाइन। प्रिंस, द किंग ऑफ द सन ऑफ द किंग, प्रिंस, और प्रिंसेस हो जाएगी उसकी राजकुमारी बेटी जो होगी, ठीक है ना। शेप, अर्ट, शेप हर्ड, शेप से शीप से शेपर्ड बना, भेड़ बकरियाँ या गाय भैंस से जो चराने वाले लोग होते हैं, है ना, ग्वाला बोला जाता है। और अगर लड़कियां हैं वो उनमें, तो वो हो जाएगी शेप हर्ड्स, ओके, शेप हर्ड्स, ठीक है। फाइन, नेक्स्ट इज होस्ट, होस्ट होता है पर्सन, कोई मान लो मैं पार्टी दे रही हूँ, तो मैंने अरेंज की है पार्टी, आई एम गिविंग, आई एम ऑर्गेनाइजिंग दैट पार्टी, तो मैं वहाँ पे होस्ट होंगी और जो वहाँ पे आने वाले होंगे वो गेस्ट होंगे, राइट। तो जो आदमी पार्टी देता है वो वहाँ का होस्ट होता है, अगर लड़की पार्टी दे तो वो होस्टेस कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट इज काउंट एंड काउंटेंस, दीज आर द पोस्ट विच इज गिवन इन द इंग्लैंड इन द रॉयल फैमिलीज, ठीक है ना। नेक्स्ट इज एयर, एयरेस, उत्तराधिकारी, जैसे कोई भी प्रॉपर्टी होती है वो उनके किसी भी पर्सन की प्रॉपर्टी उसकी जाने के बाद में वो उनके बच्चों को ट्रांसफ़र हो जाती है। जैसे आपके दादा दादी थे, उनकी प्रॉपर्टी जो थी ज़मीन जायदाद, वो बाद में किसको मिली, आपके मम्मी पापा को, और मम्मी पापा की जो प्रॉपर्टी है वो आप लोगों के, आपके आप जो भाई बहन उनमें भी होगा। अगर लड़का है तो उसको बोलेंगे एयर, उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी नहीं, दैट इज़ एयरस, गर्ल, ठीक है। नाउ सी बेटा, देयर आर सम नाउन्स, उसमें थोड़ा स्लाइटली चेंजेस होता है मस्कुलाइन जेंडर में, जिसमें ई डबल एस जुड़ता है ना, उसमें थोड़ा सा चेंज करते हैं। इसमें सीधा हम ई डबल एस जोड़ते थे, इसमें हल्का सा चेंज है। जैसे सॉन्गस्टर, जो गाना गाने वाला पर्सन होता है उसको सॉन्गस्टर कहते हैं, गायक, है ना, सिंगर जो होता है, मेल सिंगर उसको सॉन्गस्टर, फीमेल सिंगर उसको सॉन्गस्ट्रेस। पर हैव यू सीन, सॉन्गस्टर का लास्ट लेटर है बेटा आर, जो भी नाउन का लास्ट लेटर आर होता है मस्कुलाइन जेंडर में, और उससे जस्ट बिफोर वोवल होता है। लास्ट लेटर देखिए आ रहा है इसका, इसका भी आ रहा है ना, एक्टर का, हंटर का भी, टाइगर का भी, एंड हियर इन दिस सेंटेंस इज ऑल्सो, सी दीज वर्ड्स आर, आर से जस्ट बिफोर बेटा क्या है, ओ है या फिर ई, ये दो वोवल ही आपको ज़्यादातर मिलेंगे। अगर आर से जस्ट बिफोर वोवल होंगे ई और ओ में से, तो व्हाट वी विल डू, जब उसका हम फेमिनाइन बदलेंगे, इसमें तो हम सीधा ई डबल एस जोड़ देते थे, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट अगर आर वाला लास्ट में होता तो उसका ध्यान रखना है कि आपको आर से पहले जो वोवल है उसको हटाना पड़ेगा फेमिनाइन बनाते समय, ठीक है। जैसे सॉन्गस्टर में ई था, तो आर से पहले ई है तो ई को हम रिमूव करेंगे, देखो यहाँ से, देखा आपने, आर से पहले हमने ई को हटा दिया और ई डबल एस एंड में ऐड करके उसका फेमिनाइन बना दिया। ऐसे एक्टर के जस्ट बिफोर ओ है तो ओ को हटा दिया है, फेमिनाइन बनाते समय देखो आर से पहले ओ नहीं है और हमने ई डबल एस जोड़ दिया, तो एक्टर का एक्ट्रेस। हंटर, इसमें आर से पहले जस्ट बिफोर ई है वोवल, तो हमने जब उसका फेमिनाइन बनाया तो ई वोवल को हमने हटा दिया और ई डबल एस एंड में किया, राइट। सो आर से पहले अगर वोवल ई और ओ होता है, कोई भी वोवल, तो उसको हम हटाकर जब उसका फेमिनाइन बनाते हैं ई डबल एस जोड़कर, तो पहले के वोवल्स को हटा दिया जाता है। जैसे टाइगर, टाइगर्स, बेनिफेक्टर, बेनिफेक्टर होता है बेटा दान देने वाला आदमी, कोई भी अगर आदमी दान देता है तो वो बेनिफेक्टर, और लड़की कोई दान देती है वो बेनिफेक्ट्रेस। मास्टर, मिस्ट्रेस, मालिक, मालकिन, या इसको शॉर्ट फॉर्म में हम मिस, मिस्टर और मिसेज ऐसे भी लिखते हैं। ड्यूक, डचेस, एज आई टोल्ड यू, काउंट, काउंटेस, आपका रॉयल फैमिली जो होती है आपकी इंग्लैंड की, उनकी वहाँ एक पोस्ट होती है ऐसे ड्यूक और डचेस की होती है, राइट। एम्परर, जो राजा से बड़े राजा, जिसको हम कहते हैं महाराजा, उसकी वाइफ को कहेंगे एम्प्रेस। गॉड, जितने भी मेल गॉड है उनको गॉड कहा जाता है, फीमेल को गॉडेस कहा जाता है ना, सरस्वती मैया, लक्ष्मी मैया, इनको गॉडेस कहा जाता है, शिवा, लॉर्ड गॉड शिवा, गॉड गणेशा, ऑल दिस। गवर्नर, जो गवर्न करता है ना, राज्यपाल, अगर आदमी है तो गवर्नर, लड़की है तो गवर्नर्स। फाउंडर, फाउंडर होता है जब कोई भी अपनी नई कंपनी चलाता है तो वो उसका फाउंडर होता है, ठीक है। अगर लड़का है तो वो फाउंडर, और लड़की कोई अपनी कंपनी सेटअप करती है और वो उसकी फाउंडेट, उसको फाउंडर्स कहा जाता है, फाउंड्रेस।
राइट वेटर द पर्सन हु सर्व्स इन होटल, जो होटल में खाना या फिर ड्रिंक्स सर्व करते हैं उसको वेटर कहते हैं, मेल पर्सन ना, लड़कियाँ भी नाउअडेज सर्विंग इन द होटल, तो वो है ना खाना परोसती हैं तो उनको कहते हैं वेटरेस, राइट। तो ये तो थे बेटा ई डबल एस जोड़कर फेमिनिन बनाने का तरीका। नाउ देयर आर सम नाउन्स जिसमें हम कुछ नया वर्ड ऐड कर देते हैं और सिंपली रेगुलर वे में हो जाता है, जैसे हीरो का, हीरो का हीरोइन, तो हीरो की सेम स्पेलिंग लिख के यहाँ तक देखिए हमने आई एन इसमें जोड़ दिया है। विडोवर एंड का विडो, विडोवर होता है विदुर, जिसकी फाइव वाइफ, कोई मान लो एक पति, वन हस्बैंड वाइफ है, हस्बैंड और वाइफ में से पहले अगर वाइफ की डेथ हो जाती है तो जो हस्बैंड होता है वो विडोवर हो जाता है, विदुर। और मान लो वाइफ से पहले हस्बैंड की डेथ होती है तो वाइफ जिंदा है उसके हस्बैंड नहीं, तो वो विडो होती है, विधवा, फाइन। अब जैसे लड़के को हम लड़का लड़की बोलते हैं, बॉय गर्ल, ऐसे ही लोकल में छोरा छोरी भी बोलते हैं ना, तो उसमें अगर लेड और लेस होगा, छोरा मीन्स बॉय, लेस मीन्स गर्ल, जिसको हम वैसे शुद्ध भाषा में छोरा छोरी कहते हैं, लेड का लेस ही लिखेंगे, बॉय होगा तो गर्ल लिखेंगे, ठीक है। बट मैंने फॉर नॉलेज जो है आई हैव रिटन कि लेड का मतलब होता है बॉय, जिसको हम छोरा कहते हैं, कहते हैं ना अपनी हरियाणा लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा बोलते हैं छोरा या छोरी करके, राइट। लड़के को छोरा दैट इज लेड, लड़की को लेस। नाउ सी देयर आर सम डिफरेंट वर्ड्स जो बिल्कुल ही टोटली अलग हो जाते हैं, बिल्कुल ही अलग है, ऑल स्पेलिंग्स आर टोटली डिफरेंट। बैचलर, अ अनमैरिड पर्सन, जिसकी शादी नहीं होती, अभी जिस लड़के की शादी नहीं हुई वो कुंवारा होता है ना, अनमैरिड पर्सन मेल, और अनमैरिड लड़की होगी तो उसको मेड कहेंगे, कुंवारी, या फिर कहेंगे हम उसको स्पिंस्टर, स्पिंस्टर भी ठीक है और मेड भी ठीक है, मेड हम काम वाली बाई को भी बोलते हैं, बट यहाँ पर लड़की हु इज़ अनमैरिड, अ गर्ल हु इज़ अनमैरिड, हु हैव नॉट गॉट मैरिड, है ना। गेंडर, इट्स अ नेम ऑफ अ बर्ड जिसको हम कहते हैं हंस, दैट इज़ वाइट इन कलर, उसकी फेमिनाइन जेंडर होगी गूज, जो होती है हंसनी, ब्रदर की सिस्टर, बुल, बुल को हम ऑक्स भी कहते हैं, दैट इज़ बैल, ओके, गाव, कॉक, हैन, मुर्गा, मुर्गी, डॉग, बिच, अर्ल। अब देखिए बेटा अर्ल, अर्ल को हम किंग भी कहते हैं, ओके। देखो एक ही वर्ड को, जैसे लड़के लड़की को लेड और लेस भी कहा जाता है, सही, अर्ल को, अर्ल को पहले ज़माने में अर्ल कहते थे, या क्वीन, काउंटेस कहते थे, काउंटेस, अर्ल, काउंटेस, तो अर्ल लिखेंगे तो काउंटेस होगा, इसका मतलब होता है अर्ल को कहते हैं किंग और काउंटेस को कहते हैं क्वीन, राइट। बट जब अर्ल लिखा गया तो आपको काउंटेस लिखना पड़ेगा, आप ये मत सोचना कि हम किंग क्वीन लिख देंगे। अंकल, आंट, जेंटलमैन, लेडी, हॉर्स, मेयर, हस्बैंड, वाइफ, सन, डॉटर, बेटा, बेटी, फाइन। नाउ सी द नेक्स्ट, किंग का जैसे बेटा होता है क्वीन, मैन का वुमेन, है ना, आदमी, औरत, नेफ्यू, नेफ्यू न्यू वर्ड है बेटा, नेफ्यू होता है भतीजा, भतीजा या भांजा, ठीक है, जैसे आपके मामा या चाचा हैं, ठीक है, आप जितने भी लड़के हैं उनका क्या रिलेशन है, वो तो आपके अंकल लगे, अंकल, मामा को या चाचा को इंग्लिश में अंकल ही कहते हैं, है ना, और आपका उनसे क्या रिलेशन हो, आप उनके भांजे लगे, चाचा है तो आप उनके भतीजे लगे लड़के, और मामा है तो आप उनके भांजे लगे, तो भांजा और भतीजा इज़ द सेम, जो बॉयज़ होंगे वो अपने मामा चाचा के भांजा या भतीजे लगते, ऐसे गर्ल्स हैं वो लगेंगी अपने अंकल की भतीजी या फिर भांजी, फाइन। मॉन्क, आपने देखे जो साधु संत होते हैं उसमें लेडीज़ भी होती हैं आजकल, तो मॉन्क होता है साधु, सेंट जिसको कहते हैं इंग्लिश में, इसको सेंट भी कहते हैं, ऐसे आएंगे संत, साधु कह लो या संत कह लो, एक ही बात है, फाइन। और अगर जो लेडी संत होती है उसको हम कहते हैं नन, क्या कहते हैं, नन, और शुद्ध भाषा में उसको कहते हैं साध्वी, साधु, साध्वी, संत, साध्वी, है ना। देन डियर, डियर होता है हिरन, और जो उसकी फेमिनाइन होती है वो हिरनी होती है, डो, डियर, डो। देन सी नेक्स्ट, सर का होता है बेटा मैडम, फाइन। नाउ सी, यहाँ पे आपके कुछ ऐसे नाउन है, कंपाउंड नाउन, कंपाउंड नाउन होते बेटा जो टू वर्ड से बनते हैं, कंपाउंड इज ऑलवेज मेड विद, इट इज अ मेड फ्रॉम टू वर्ड्स, मेड फ्रॉम टू वर्ड्स, टू वर्ड्स को जोड़ के एक नया वर्ड्स बन जाता है, उसको हम कहते हैं आपका कंपाउंड नाउन। सी उसमें भी क्या होता है, जैसे गॉट है, गॉट तो कॉमन होगा, बकरा बकरी का पता नहीं चलता, अगर हम ही लगा देंगे गॉट के आगे तो ही को भी यूज़ किया तो इसका मतलब बकरा, अगर बकरी है तो फिर शी गॉट लिखना पड़ेगा। नाउ सी बेटा, जैसे ग्रैंड फादर, फादर के अंदर हमने एक ग्रैंड वर्ड को यूज़ किया, ग्रैंड प्लस फादर इज ग्रैंड फादर, तो यहाँ पे हमने दो वर्ड्स को जोड़ के एक नया वर्ड बनाया जिसको हम कंपाउंड वर्ड बोलेंगे, ठीक है ना, ओके। दो नए वर्ड्स, ग्रैंड खुद एक वर्ड है, फादर, तो ग्रैंड फादर का होगा ग्रैंड मदर, जैसे मिल्क और मैन को जोड़ के बनता है मिल्क मैन, दूध वाला ग्वाला, है ना, उसकी वाइफ जो होगी वो होगी मिल्क मेड, मिल्क मेड होगा, मिल्क वूमेन बेटा कुछ नहीं होता, ठीक है ना, मिल्क वूमेन कभी मत लिखना, ये गलत होगा, मिल्क मेड ही लिखेंगे आप। भालू जो होता है, नर भालू, नर भालू मतलब मेल,
तो उसको बोलेंगे ही बेयर. ओके, इसको बियर नहीं बोलते, बेयर बोलते हैं. दैट इज शी. अगर वो मादा भालू है उसको बोलेंगे नर भालू, मादा भालू. आप डिस्कवरी चैनल्स पे कभी भी करते हैं वहाँ पे मेल पर्सन को हमेशा नर बोला जाता है और मादा को, फीमेल को मादा बोला जाता है. राइट. सो पिकॉक, पिकॉक किसे बोलते हैं, पी प्लस कॉक है ना, पिकॉक. कॉक को अगर हम लिखेंगे तो मुर्गा, और पी उसमें ऐड कर देंगे तो दैट इज़ पिकॉक मीन्स मोर, और पिकॉक की वाइफ मोर भी, पी हैन बोलते हैं उसको. राइट. ऐसे ही लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड होता है मालिक या ज़मीन का, जो मालिक होता है उसको कहते हैं लैंडलॉर्ड, ज़मींदार कह लो. ठीक है. और उसकी वाइफ जो होगी वो लैंड लेडी होगी, लॉर्ड का जैसे लेडी होता है ज़मींदार. सेम नाउन के अलावा बेटा प्रोनाउन में भी आपके जेंडर्स होते हैं. ठीक है. जस्ट लुक एट द सेंटेंसेस. यहाँ पे लिखा है ईशान इज़ अ गुड बॉय, तो आपने देखा बॉय भी और ईशान एक लड़के का नाम भी है, तो उसके लिए हमने सेकेंड टाइम पर यूज़ किया प्रोनाउन में ही, ही हमने यूज़ किया है फॉर ईशान, है ना. और हिज भी, रीड हिज बुक, आई लाइक हिम. यहाँ पे हिम यूज़ किया है, ही हिज और हिम, ये ईशान के लिए यूज़ होता है, पता है ये बॉय है, तो यहाँ पे ही हिज और हिम होगा वो सिंगुलर प्रोनाउन होगा जो मस्कुलाइन को शो करता है वन बॉय को. तो पता है ही हमेशा मस्कुलाइन जेंडर को रेफर करता है, तो इसको हम बोलें ही हिज और हिम हमेशा मस्कुलाइन में सिंगुलर फॉर्म में. ऐसे ही वन गर्ल के लिए नितिमा इज़ माई सिस्टर, तो नितिमा के लिए यहाँ यूज़ हुआ है शी प्रोनाउन. ठीक है ना. और उसी के लिए हर यूज हुआ, तो शी एंड हर इज ऑल्सो यूज फॉर वन गर्ल इन अ प्रोनाउन, सो ये फेमिनिन का सिंगुलर होता है. आई बॉट दिस बुक, अ बुक इज़ द नेम ऑफ अ थिंग, और थिंग के लिए जो चीज, कौन सा प्रोनाउन यूज होता है बेटा, इट. तो इट जो है वो प्रोनाउन, वॉट दैट विल बी ऑलवेज कम्स अंडर न्यूट्रल जेंडर. ठीक है, क्योंकि बुक न्यूट्रल जेंडर होती है, थिंग का नेम है, उसके लिए हमने प्रोनाउन यूज़ किया है इट. राइट. अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस में द बॉयज एंड द गर्ल्स, यहाँ पे बॉयज भी प्लूरल है गर्ल्स, तो दोनों चीज प्लूरल के लिए हम क्या प्रोनाउन यूज़ करते हैं, इन दोनों के लिए हमने प्रोनाउन यूज़ किया है दे. तो दे इज़ द यू कैन बी यूज फॉर प्लूरल, उसमें दो पर्सन मैन भी इंक्लूड हो सकते हैं, दो वुमेन भी हो सकती है, या दोनों मैन वुमेन मिक्स हो सकते हैं. ठीक है. तो यहाँ पे बॉयज गर्ल को मिक्स किया है, तो दे आर थर्स्टी, गिव देम वाटर. तो यहाँ पे दे और देम, और यहाँ पे देयर भी है, ये आपका प्लूरल फॉर्म होता है, ही शी इट का प्लूरल फॉर्म होता है. ये सभी जेंडर्स के लिए लग सकता है, इसमें आपका मस्कुलाइन फेमिनाइन से मतलब नहीं है. दे मस्कुलाइन में भी आएगा तो भी ठीक है, डिपेंड करता है, पर वो हमें ध्यान रखना है. अगर हम बॉयज़ की बात करें तो यहाँ पे इसको हम दे मानेंगे आपका किसमें, कॉमन, क्योंकि बॉयज़ गर्ल को मिक्स किया है. ठीक है. तो हैव यू सीन द नाउन ईशान में इज़ अ मस्कुलाइन जेंडर, तो यहाँ पे ही हिज एंड हिम आर मस्कुलाइन जेंडर. और नितिमा के लिए यूज़ हमने फेमिनाइन जेंडर में क्या यूज़ किया बेटा, प्रोनाउन में शी और हर. राइट. एंड फॉर बुक वी इज़ अ न्यूट्रल जेंडर, तो उसके लिए हमने यूज़ किया प्रोनाउन में इट, तो इट प्रोनाउन को हम न्यूट्रल जेंडर में डालेंगे. एंड दे देम आर देयर आर यूज फॉर ऑल जेंडर, ये सभी के लिए यूज़ होता है प्लूरल फॉर्म में. दे इज़ द प्लूरल ऑफ ही शी एंड इट. ठीक है. इन ये सिंगुलर का, इन सब का ही प्लूरल दे होता है, यानी कि प्रोनाउन में भी फेमिनाइन और मस्कुलाइन प्रोनाउन होते हैं. ही फॉर डिनोट्स फॉर मस्कुलाइन, शी डिनोट्स फॉर फेमिनाइन, इट फॉर नॉन लिविंग थिंग, एंड दे कैन बी यूज फॉर एनी, इट्स अ कॉमन, कैन बी कॉमन और मस्कुलाइन और द फेमिनाइन और द न्यूट्रल. ओके बेटा.